अंबुज माहेश्वरी पत्रकार। अंबुज माहेश्वरी जी ने रायसेन से वर्ष 2006 में पत्रकारिता की शुरुआत की। आपके पिता श्री अशोक माहेश्वरी नई दुनिया के रायसेन से पत्रकारिता करते थे। श्री माहेश्वरी के एक सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो जाने पर नई दुनिया ने उनके बेटे अंबुज माहेश्वरी को अपने साथ जोड़ा। 20 वर्ष की उम्र में राज्य की नई दुनिया से अंबुज माहेश्वरी ने पत्रकारिता शुरू की। 2008 में अंबुज नव दुनिया के ब्यूरो चीफ बने। 2009 में शासन ने आपको जिला बाल कल्याण समिति में सदस्य बनाया। 2010 में आप इंडिया टीवी के संवाददाता बने। 2020 तक आप रायसेन में नव दुनिया के जिला ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य करते रहे। 2021 में आपने हरिभूमि और उसके बाद 2022 में आपने दैनिक जागरण से जुड़ने के बाद अंबुज माहेश्वरी का फोकस सामाजिक राजनीति और सरोकार से जुड़ी खबरों पर होता है। आप इसके अलावा राजनीति और पर्यटन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों पर आपने काम किया है। दखल परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। आलोक श्रीवास्तव, कवि एवं पत्रकार। आदरणीय भैया, इजाजत चाहूंगा। हम सभी सुन रहे थे आदरणीय भैया ने जब मंच से अपनी कैशियर की भूमिका बताई। भैया ने कहा कि भैया एक कैशियर की भूमिका में हैं और जो धन आता है उस धन को जमा करके भैया धन को वापस कर देते हैं। भैया, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, आप उसके साथ एक भूमिका कभी कभी कैशियर के साथ एक और रखते हैं, ओवरड्राफ्ट देने की। स्नेह और प्रेम के वशीभूत आप ओवरड्राफ्ट की भूमिका देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, 2008 का, 22 साल का एक पत्रकार इंटरव्यू करना चाहता था आशुतोष राणा जी का, परिचय नहीं था, संपर्क भी नहीं था, तो कोशिश की कि बात हो जाए। बात हो गई, आपने समय दिया, रात में 2 या 3 बजे का समय तय हुआ कि हाईवे पर आप उन पत्रकार को मिलेंगे। और आप, चूंकि रात का समय था, पत्रकार तो बिल्कुल गया 1 बजे से वहाँ डट गए थे अपनी वाहन से खड़े होके, लेकिन अंधेरे, चूंकि रात बहुत थी, तो भैया निकल गए। फिर भैया से उन पत्रकार महोदय की बात हुई और आपको आश्चर्य होगा, भोपाल पहुंच जाने के बाद भी बिना परिचय के भैया ने यही कहा, आप भोपाल आइए, बात ज़रूर होगी। सुबह 7 बजे नीलू पाठक जी के सरकारी आवास पर पत्रकार की बात हुई, तब इंटरव्यू में जो बात आई, राम मानव मात्र के आराध्य हैं। 2008 में जो विषय भैया ने छुआ था, जो विषय भैया के मन से निकला था, वो बाद में रामराज्य के रूप में सामने आया। और भैया बहुत ही शब्द नहीं है कि वो पत्रकार मैं था और आपसे वो आशीर्वाद मुझे मिला, आपका इतना वो मुझे मिला, और आज मेरे पास जीवन में दशा और दिशा बदलने में आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। सादर प्रणाम करता हूँ। अनुराग जी को और शेफाली मैम को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि पहला इंटरव्यू लाइफ में जो किया था सेलिब्रिटीज के रूप में, वो आपका किया था, और आज लाइफ में पहला अवार्ड जो पाया है वो मंच पर आपके हाथों से पाया है। धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।